सिंगरौली में यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पूरे सप्ताह भर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किए जाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा दोपहिया वाहन रैली निकाली गई। जागरूकता कार्यक्रम में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में स्थित स्कूल व कॉलेजों के बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए शिविर लगाए जाएंगे। सिंगरौली में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर व पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जिले में पूरे सप्ताह भर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं आमजन के साथ पुलिस जवानों को यातायात के प्रति सजग रहने के लिए शपथ दिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों में स्थित कॉलेज व स्कूलों के बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए शिविर लगाए जाएंगे। जागरूकता रैली में शामिल हुए सिंगरौली जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसके वर्मा ने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए सभी लोग दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाएं तो सड़क दुर्घटनाएं होने की आशंका कम रहती है। फोर व्हीलर में लोग सीट बेल्ट लगाएं, इमरजेंसी वाहनों और एम्बुलेंसों को रास्ता दें, दारू गांजा अफीम चरस पीकर गाड़ी न चलाएं और मोबाइल से बात करते हुए भी वाहन न चलाएं। वहीं जागरूकता रैली में लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किए जाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा दोपहिया वाहन रैली निकाली गई, जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय से शुरू हुई। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होकर वापस पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ही समाप्त हुई। प्रत्येक वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, हर वर्ष की भांति इस बार भी 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। उद्देश्य है दुर्घटनाओं में कमी करना, और जो दुर्घटना होने से चोट लगने से लोगों की मौत होती है, उन लोगों की मौतों को घटाना, कम से कम करना, उसी उद्देश्य के कारण से पूरे प्रदेश में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर ये सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहला उद्देश्य और महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि लोग दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहन के वाहन चलाएं, वाहन चलाते समय फ़ोन पर बात न करें, अपना ध्यान न भटकें, वाहन पे ही ध्यान रखें और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट बांध के रखें। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।